हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग ऑफिस से जैसे घर आ जाता है, वो बहुत ही लाउडली चीखने लगता है। जनकुक वो जैसे ही नीचे आ जाता है, तियांग जनकुक को सोफे में धकेल देने के बाद तियांग अपनी शर्ट के बटन को अनबटन करने लग जाता है। जनकुक तियांग को ऐसा करते हुए देखकर वो डर जाता है, कहता है, क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, ए तुम मुझसे पूछ रहे हो, मुझे तुमसे पूछना चाहिए, आखिर तुमने किया भी कैसे? जनकुक ने कहा, मैंने क्या किया? तियांग जनकुक को बिना कुछ बोले ही उसके ऊपर टूट पड़ता है। जनकुक के रोकने से भी तियांग नहीं रुकता है। उसके बाद तियांग जनकुक के साथ फोर्सफुली इंटीमेट होते हैं। दो दिन बाद जनकुक जीरो से नीचे आ रहे थे। जनकुक चल नहीं पा रहा था। आर्यमा जाते हुए कहता है, क्या हो जनकुक, तुम चल नहीं पा रहे हो, क्या हुआ है तुम्हें, क्या पैर में चोट लगी है? जनकुक ने कहा, नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा मूंछ आ गया है। आर्यम ने कहा, मूंछ आ गया है, लेकिन कैसे? जनकुक ने कहा, वो मैं नीचे गिर गया था इसलिए। तियांग, वो सामने ही था। तियांग जनकुक को देखे जा रहे थे। आर्यम ने कहा, क्या हुआ तियांग, तुम इसकी हेल्प नहीं कर सकते हो? जब तुम देख सकते हो कि जनकुक को नीचे आने में कितना तकलीफ होता है, तब तुम उसकी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो? तियांग ने कहा, मैं बहुत थक गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। जनकुक ने कहा, कोई बात नहीं, मैंने भी उनसे नहीं कहा कि मेरे पैर में मोच आ गया है, उनको नहीं पता। जीना जाते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? तो आर्यम ने कहा, देखो जनकुक के पैर में मोच आ गया है और तियांग ने इसकी हेल्प भी नहीं किया। तो जिन ने कहा, तियांग तुमने ऐसा क्यों किया, तुम मेरे भाई होकर ऐसा नहीं कर सकते हो। आर्यम, तुम उसकी ब्रदर इन लॉ हो, क्या तुम उसको डांट नहीं सकते हो, वो तुमसे छोटा है। आर्यम ने कहा, ये बात तो तुमने सही कहा है, लेकिन तियांग अब छोटा सा बच्चा नहीं रहा कि मैं उसको डांट सकता हूँ, वो अब बड़ा हो गया है। तियांग अब मेरी कोई भी बात नहीं सुनने वाला है। जिन, तुम्हें क्या लगता है, वो मेरी धमकाने से वो डर जाएगा? मुझे पता है तियांग ने ही कुछ किया होगा। जनकुक ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। टाइम को स्किप करते हैं। तियांग और जनकुक अपने रूम में था। तियांग ने जनकुक के बेड के साथ बांध दिया और उसे कहा, तुम्हारी पनिशमेंट खत्म नहीं हुआ होगा, तुम्हें क्या लगा कि मैंने तुम्हारी पनिशमेंट को कम कर दिया है? तुम्हें किसी और की बेड पर जाने की हक नहीं है, तुमने किसी और की बेड पर गया था और इसलिए मैं तुम्हें अब इतना दर्द फील करवाऊंगा कि तुम किसी और की बेड पर जाने से पहले 100 बार सोचोगे। जनकुक ने कहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तियांग ने कहा, झूठ बोलना बंद करो। जनकुक उसके बाद कुछ नहीं कहता है। तियांग जनकुक से कहता है, तुम इतना डार्क कैसे हो सकते हो, कोई भी तुम्हारे साथ बेड पर जाना चाहेगा, क्या तुम उसके साथ बेड पर चले जाओगे? तुम्हें याद होना चाहिए तुम किसके हस्बैंड हो, तुम्हें हमेशा याद रहेगा, मैं जो तुम्हारे साथ कर रहा हूँ ना, तुम्हें हमेशा के लिए याद करवा देगा, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। उसके बाद तियांग अपनी शर्ट उतार कर जनकुक के ऊपर आ जाता है, फिर से उसको टॉर्चर करने लगता है। जनकुक की आंखों में से आंसू बह रहे थे। जनकुक अपनी आंखों में से आंसू बहने के अलावा कुछ नहीं कर सकता है सिवाय तियांग की टॉर्चर को सहने के। ऐसे ही पूरी रात तियांग ने जनकुक को बहुत टॉर्चर किया। सुबह होने पर जनकुक बेड पर लेटा हुआ था, वो उठ भी नहीं पा रहे थे। तियांग उठ जाता है और वो फोन पर बातें कर रहा था। जनकुक बेड पर लेटे हुए तियांग को फोन पर बातें करते हुए देख रहे थे। तियांग बहुत देर तक बात करता है, उसके बाद जैसे बात करना खत्म कर लेता है, तियांग घर के अंदर आ जाता है। बेड के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जनकुक को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी इस हालत देखकर मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी ऐसी हालत मैंने किया है, ये कहते हुए तियांग ने मुस्कुराया। जनकुक की आंखों में आंसू था। तियांग ने उसकी आंसू को इग्नोर करते हुए वो नीचे आ जाता है। तो आर्यम और जिन ने कहा, क्या हुआ तियांग, जनकुक कहाँ है? तियांग ने कहा, वो सो रहा है, उसको उठने में लेट हो जाएगा, आप लोग उसको डिस्टर्ब मत कीजिएगा, उसको सोने दीजिएगा, वो बहुत थक गया है। जिन ने कहा, तियांग तुमने फिर से कुछ किया है क्या, आखिर तुम इतना हार्टलेस कैसे हो सकते हो? कुछ दिनों से तुमने उसके साथ बहुत ही बुरा किया है, उसको देखकर ही पता चल रहा है वो चल नहीं पा रहा है। तियांग, आखिर इतना हार्टलेस तुम कैसे बन गए? तियांग, तुमने अच्छा नहीं किया। तियांग ने कहा, आप लोग मुझे कह रहे हो, आप लोग को जनकुक के बात कहना चाहिए, वो किसी और की बेड पर कैसे जा सकता है? जिन ने कहा, क्या, मैं ये सोच भी नहीं सकता हूँ कि जनकुक किसी और की बेड पर जा सकता है। तियांग, तुम्हें गलत फहमी हो गया होगा। तियांग ने कहा, क्या तो क्या है? उसके बाद तियांग अपने फ़ोन पर जनकुक और यूनो की पिक्चर को जिन और आर्यम को दिखाता है। आर्यम और जिन ने जैसे जनकुक की ऐसी पिक्चर को देखा, उन लोगों ने कहा, ये सच नहीं हो सकता है तियांग, तुम्हें इसका पता लगाना चाहिए, तुमने पता लगाए बिना जनकुक के साथ इतना बुरा कैसे कर लिया? तुमने एक बार भी नहीं सोचा है जनकुक कितना इनोसेंट है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता है तियांग, वो तुम्हें पसंद करता है। तियांग ने कहा, वो अगर मुझे पसंद करता ना, वो ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचता, मैं उस पर यकीन नहीं कर सकता हूँ। इवनो को वो बहुत पहले से पसंद करता है, वो उसके सीनियर थे
और दोनों के बीच में बहुत पहले से बहुत ही क्लोज रिश्ता है। तो जिन ने कहा, तियांग मैं नहीं मानता हो। आयम ने कहा, मैं इसके बारे में पता लगा कर ही छोड़ूंगा। तुम पता नहीं लगाना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे जंगकुक पर पूरा भरोसा है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हो, और तुम उसको और टॉर्चर नहीं करोगे वरना बहुत बुरा हो जाएगा। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देता हूँ। आरएम ऑफिस आने के बाद युंगी को जंगकुक का यूने की पिक्चर देते हुए कहा, इस पिक्चर के बारे में जितना हो सके डिटेल से इसका पता लगाओ। युंगी ने कहा, ठीक है, लेकिन क्या हुआ? तो आरएम ने सारी बातें खुलकर युंगी से कह दिया। युंगी ने कहा, ठीक है, मुझे भी जंगकुक पर पूरा भरोसा है, मैं इसके बारे में पता लगा कर ही रहूंगा। जिमिन को जैसे ही युंगी से पता चलता है, वो तियांग के पास आ जाते हैं और तियांग पर गुस्सा करते हुए कहा, तियांग तुमने कैसे किया? तुम्हें जंगकुक के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम ऐसी पिक्चर को देखकर जंगकुक पर शक कैसे कर सकते हो? वो बहुत ही इनोसेंट है। हाँ, वो थोड़ा सा नार्ड है, इसीलिए तुम उस पर ऐसे जुल्म कर सकते हो। तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है तियांग, तुम मेरे दोस्तों का ऐसे हरकतें कैसे कर सकते हो? तियांग ने कहा, जिमिन तुम उसे क्या ही उम्मीदें करते हो? हाँ, एक माफिया किंग से तुम्हें और क्या ही उम्मीद हो सकता है? जिमिन ने कहा, हाँ, तुम्हारे जैसे हार्टलेस माफिया से मैं और क्या ही उम्मीद कर सकता हूँ तियांग। तुम बहुत ही हार्टलेस हो। आई हेट यू तियांग। इसके बाद जिमिन चला जाता है। तियांग ने कहा, हर कोई मुझे बात सुनाकर चला जाता है। जंगकुक की गलती किसी को दिखाई नहीं देता है क्या? क्या हर किसी को जंगकुक पर भरोसा है सिवाय मेरे? क्या जंगकुक इतना ही अच्छा है और मैं इतना बुरा हूँ? तो ठीक है, मुझे भी देखना है कि जंगकुक कितना इनोसेंट है। तियांग भी पता लगाने की कोशिश कर रहा था उस पिक्चर के बारे में, और आरएम को पता लगने से पहले तियांग ने पता लगा लिया। तियांग मिंगहो के ऑफिस आ जाता है। मिंगहो ने कहा, तियांग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो तियांग ने कहा, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम बहुत ही अच्छे हो, जंगकुक से बहुत बेहतर हो तुम। मिंगहो ने कहा, तियांग क्या तुम सच बोल रहे हो? तियांग ने कहा, क्यों नहीं, मैं झूठ क्यों कहूंगा। उसके बाद तियांग मिंगहो को अपने साथ में लेकर कहीं पर जाने लगता है। मिंगहो ने कहा, तियांग तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तियांग ने कहा, मिंगहो अगर जीना चाहते हो तो अभी जो तुमने किया है वो सारी सच्चाई के बारे में मुझे कह दो। मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मिंगहो ने कहा, तियांग तुम किस बारे में बोल रहे हो? मुझे नहीं पता। तियांग ने कहा, तुम्हें नहीं पता? क्या तुम यूनो और जंगकुक की इस पिक्चर के बारे में कुछ कहना चाहोगे? मिंगहो ने कहा, क्या मैं इस पिक्चर को नहीं जानता हूँ? तुम क्या बोल रहे हो तियांग? तियांग ने कहा, मिंगहो सच बताओ, क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं इस पिक्चर के बारे में क्या बोल रहा हूँ? मिंगहो ने कहा, तियांग मेरा गला छोड़ दो, मैं तुम्हें सच कहता हूँ। तियांग ने कहा, तो बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? मिंगहो ने कहा, तियांग मैंने कुछ भी नहीं किया है। वो तो यूनो जंगकुक पहले से ऐसे पोजीशन में थे तो मैंने उसका फायदा उठाया और मैंने पिक्चर खींच लिया और तुम्हें सेंड कर दिया। मैंने बस इतना ही किया है और कुछ नहीं किया है। तियांग घर आ जाता है। युंगी भी सच्चाई पता लगा कर आरएम को कह दिया था, तो आरएम तियांग को आते देखकर ही कहता है, यहाँ पर बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तियांग ने कहा, मुझे भी आप लोगों से कुछ कहना है। तो जिन ने कहा, तुम्हें कुछ कहने से पहले हम ही तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। जंगकुक तुम्हें डिवोर्स देना चाहता है। तियांग ने कहा, क्या डिवोर्स? वो मुझे डिवोर्स नहीं दे सकता है, वो ऐसा सोच भी नहीं सकता है, ऐसा आप लोगों ने कहा होगा। जिन ने कहा, अब हम ही नहीं चाहते हैं कि जंगकुक तुम्हारे साथ रहे। तियांग ने कहा, क्या और जंगकुक क्या चाहता है? तो आरएम ने कहा, इसके बारे में हमें नहीं पता और जंगकुक की चाहने या ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तियांग तुमने उसके साथ जितना बुरा किया है ना, उसके बाद जंगकुक को तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए और वो अब आजाद हो सकता है अगर तुमने उसको डिवोर्स दे दिया तो। तियांग ने कहा, लेकिन मैं जंगकुक को डिवोर्स नहीं दूंगा क्योंकि मुझे सही सच्चाई पता चल गया है। जंगकुक ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी उसका गलती है। वो यूनि की हेल्प करने के लिए क्यों गया था? मुझे पता चल गया है, मिंगहो जंगकुक से जेलस था, वो मुझे पसंद करता है और जंगकुक को मुझे अलग करना चाहता था, इसलिए मिंगहो ने उसका फायदा उठाकर पिक्चर ले लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जंगकुक इनोसेंट है। तो आरएम ने कहा, क्या तुम अभी भी यही बात ही कर रहे हो? जंगकुक इनोसेंट कैसे नहीं हुआ तियांग? तियांग ने कहा, क्योंकि जंगकुक पहले यूनो के साथ था, मिंगहो ने तो बस पिक्चर खींचा था, उसकी हेल्प करने की क्या जरूरत है? जबकि जंगकुक को अच्छी तरह से पता है कि यूनो जंगकुक को पसंद करता है और जंगकुक भी यूनो को बहुत पसंद करता है, अपनी सीनियर को अपना आइडियल मानता है। इसके बाद भी आप लोग क्या कहना चाहोगे? जंगकुक बस तियांग की बातों को सुन रहा था। तो आरएम ने कहा, जंगकुक क्या आज भी तुम कुछ नहीं कहने वाले हो? क्या सिर्फ तुम रोने ही वाले हो? इतना नार्क क्यों हो तुम? आखिर तुम कब अपनी जबान खोलने वाले हो और तियांग से कहने वाले हो कि तुम उससे अलग होना चाहते हो, उसे डिवोर्स लेना चाहते हो? जंगकुक ने कहा, मैं वो। तो जिन ने कहा, देखो हम तुम्हारे साथ हैं। टाइम को स्किप करते हैं। तियांग बहुत ही ड्रिंक कर रहा था
तो जिन ने कहा तियांग डिंग करने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें अपनी गलती को सुधारना होगा और जनकुक से माफ़ी मांगना होगा। तियांग ने कहा आप लोग मुझसे कह रहे हो, आप ही लोगों ने जनकुक को मुझसे अलग कर दिया, आप ही लोगों ने जनकुक से कहा मुझसे डिवोर्स मांगने के लिए और आप लोग अब ये बातें कर रहे हो, आप लोगों को शर्म नहीं आता है क्या? तियांग ने कहा। जिन ने कहा देखो हमें शर्म आने की क्या बात है, शर्म तुम्हें आना चाहिए, तुमने जनकुक के साथ बहुत बुरा किया है, आखिर तुम मेरे भाई हो इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, अभी भी सुधर जाओ, जनकुक तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहता है, हमने इतनी बार कहने के बाद भी उसने तुम्हें एक बार के लिए डिवोर्स देने के लिए नहीं कहा, वो बस अपने मायके चला गया, तुम्हें उसको वापस लाना चाहिए तियांग, लेकिन पूरी रिस्पेक्ट के साथ और उससे माफ़ी मांगना चाहिए और तुम वो गलती दोबारा नहीं करोगे जो तुमने पहले किया है। तियांग ने कहा क्या आप लोगों को लगता है अभी अगर मैं जनकुक को वापस लेने जाऊँगा वो वापस आ जाएगा? जिन ने कहा क्यों नहीं आएगा, वो तुमसे बहुत प्यार करता है तियांग, बस तुम्हें तुम्हारी गलती सुधारना है। तियांग ने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता है, जनकुक ने जो गलती किया है उसके लिए उसको मुझसे माफ़ी मांगना चाहिए, नहीं मुझे। आरे माँ जाते हुए कहता है तुम तियांग को क्या समझा रहे हो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, तियांग को जनकुक के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं जनकुक के एब्रोड भेजने वाला हूँ, वो वापस कभी नहीं आएगा, हमेशा हमेशा के लिए वो एब्रोड चला जाएगा, वो अपनी बाकी की पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहता है, मैंने उसे कहा एब्रोड जाने के लिए। जिन ने कहा क्या तो अच्छा ही किया है तुमने, वो जो तुम उसको एब्रोड भेजने वाले हो। तियांग ने कहा क्या जनकुक एब्रोड जा रहा है? जिन ने कहा क्यों, उसके एब्रोड जाने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या तियांग? तियांग ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। उसके बाद जैसे तियांग को पता चला जनकुक 2 दिन के अंदर ही एब्रोड चला जाएगा। तियांग वो जनकुक के बारे में बहुत ही सोच रहा था, वो उसको बहुत ही मिस कर रहे थे। तियांग ने कहा नहीं मुझे मेरी ईगो को छोड़ना होगा और जनकुक से माफ़ी मांगना होगा, उसने कुछ भी नहीं किया है, मेरी ही गलती है, मैंने ही उसके साथ इतना गलत किया है और ऊपर से उसने ही माफ़ी की उम्मीद कर रहा था, मुझसे ही गलती हुआ है, मुझे उससे माफ़ी मांगना चाहिए, मैं जनकुक के पास जाऊंगा और उसके हाथ पर जोर का माफ़ी मांगूंगा और जनकुक को रोक लूंगा क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। उसके बाद तियांग रात को ही जनकुक के पास आ जाता है। जनकुक ने कहा इतनी रात को तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो तियांग? तियांग ने कहा जनकुक प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जनकुक ने कहा तियांग क्या कर रहे हो, मेरी पैर मत पकड़ो, तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तियांग ने कहा जनकुक तुम एब्रोड जा रहे हो, देखो मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तो बस तुम पर गुस्सा था क्योंकि तुम यूनुक के बहुत ही क्लोज थे, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे अलावा तुम्हें कोई और टच करे और इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है, प्लीज़ जनकुक मुझे माफ़ कर दो। जनकुक ने कहा तियांग तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं एब्रोड जा रहा हूँ किसने कहा तुमसे? तियांग ने कहा और किसने? ब्रदर इन लॉ ने कहा, आरएम ने। जनकुक ने कहा मैं एब्रोड नहीं जा रहा हूँ, उन्होंने झूठ क्यों कहा मुझे नहीं पता। तियांग ने कहा क्या तुम एब्रोड नहीं जा रहे हो? जनकुक ने कहा नहीं तो मैं एब्रोड क्यों जाऊँगा? क्योंकि तियांग मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, चाहे तुम कितने ही हार्टलेस क्यों ना बनो लेकिन मैं तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ सकता हूँ, आई रियली लव यू तियांग। तियांग ने कहा जनकुक क्या तुम सच बोल रहे हो, इतना कुछ होने के बाद भी तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे और अभी भी तुम मुझसे प्यार करते हो? जनकुक ने कहा हाँ तियांग मैं तुमसे हमेशा से प्यार करता आया हूँ और हमेशा करूँगा भी, चाहे तुम कितना ही हार्टलेस क्यों ना बनो, तुम मेरे हस्बैंड हो और आखिरी दम तक तुम ही मेरे हस्बैंड रहोगे। तियांग ने कहा जनकुक तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, मैं कितना लकी हो और तुम कितना अनलकी हो। जनकुक ने कहा तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तियांग ने कहा क्योंकि मैंने तुमसे प्यार नहीं कर पाया जिस तरह से तुम मुझसे प्यार करते हो, काश मैं भी तुमसे उस तरह से ही प्यार कर पाता, तुम पर यकीन कर पाते और तुम पर कभी भी इस तरह से टॉर्चर नहीं करता। जनकुक मुझे माफ़ कर दो। जनकुक ने कहा तियांग ऐसा मत करो, प्लीज़ उठ जाओ। तियांग को जनकुक ने गले लगाते हुए कहा तुम अपनी गलती को समझ लिया है ना, यही काफ़ी है, शायद आरएम ह्यूंग ने ये जानबूझकर किया है। तियांग रात को ही जनकुक को घर वापस लेकर आ गया। उसके बाद आरएम जिन हॉल में आ गया और कहा तियांग क्या हुआ, इतनी रात को चीख क्यों रहे हो? तियांग ने कहा आपने झूठ क्यों कहा कि जनकुक एब्रोड जा रहा है, वो एब्रोड नहीं जा रहा है। आरएम ने कहा मैंने जानबूझकर झूठ कहा था, तुम्हारे बैदा ने ही मुझसे ये कहने के लिए कहा था। तो जिन ने कहा तियांग मैंने ऐसा कहने के लिए कहा लेकिन हमें नहीं पता था कि तुम रात को ही जनकुक को वापस लेने के लिए चले जाओगे, अगर तुम्हें जनकुक से इतना ही प्यार है तो उसको टॉर्चर क्यों करते रहते हो? तियांग ने कहा मुझसे गलती हो गई, मैंने इसके लिए उससे माफ़ी भी मांग लिया। जिन और आरएम जनकुक को देखता है। जनकुक ने कहा हाँ उसने मुझसे माफ़ी मांगा। जिन ने कहा तियांग के सच है मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुमने किसी से माफ़ी मांगा और वो जनकुक है, इसका मतलब ये है कि तुम जनकुक को सच में प्यार करते हो। तियांग आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने अपनी गलती मान लिया,
तुम मेरे ही भाई हो। तियारा ने कहा, बस बहुत हो गया, मुझे आपसे कोई बात नहीं करना है, आप लोगों ने मुझसे झूठ कहा है। आर्य ने कहा, अगर ऐसा नहीं करता ना, तुम कभी भी अपनी गलती को नहीं सुधारते और न ही जिनको से माफी मांगते। तुम्हें अपनी गलती समझ में आ गया है ना, हम बहुत खुश हैं। जाओ जाकर रूम में रेस्ट करो और सुबह को साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे, ठीक है? बहुत दिनों से हम चारों ने मिलकर ब्रेकफास्ट नहीं किया है। तियारा ने कहा, ठीक है, हम चारों साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करेंगे, लेकिन कल सुबह को नहीं। आर्यमो जिन ने कहा, ऐसा क्यों? तियांग ने कहा, किसी और दिन। जनको ने कहा, तियांग तुम मना क्यों कर रहे हो, हम चारों साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर सकते हैं? तियांग ने कहा, क्योंकि कल सुबह को भी तुम्हें मेरे साथ ही होना होगा, कल हम दोनों बेडरूम में ही ब्रेकफास्ट करेंगे, तुम्हें मैं बाहर नहीं आने दूंगा। जिन ने कहा, तियांग तुम फिर से शुरू हो गए। तियांग ने कहा, मुझे कोई नहीं रोकेगा। जनको को गोद में उठा लेता है, उसके बाद जनको के लिप पर किस करते सिरे से ऊपर आने लगा। आर्यन ने कहा, तियांग को कोई नहीं रोक सकता है जिन, तुम भी मेरे साथ चलो, और जिनको रूम में लेकर जाने लगा। यहाँ पर तियांग जनको को बेडरूम में लेकर आने के बाद ही दरवाजा बंद कर दिया और जनको से कहा, तुम्हें क्या लगा इतनी दिन बाद मैं तुम्हारे करीब आया हूँ और मैं तुम्हें इतनी जल्दी ही छोड़ दूंगा? जनको ने कहा, तियांग तुम फिर से मेरे साथ? तियांग ने कहा, जनको इस बार मैं बहुत ही जेंटली करने वाला हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूंगा। जनको ने कहा, तियांग मुझे तुम पर भरोसा नहीं। तियांग ने कहा, क्या तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। उसके बाद तियांग बहुत ही जेंटली जनको के साथ इंटीमेट हो रहे थे, लेकिन जनको को मजा नहीं आ रहा था। जनको ने कहा, तियांग पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तियांग ने कहा, क्या ए तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लग रहा? कहे तुम मुझसे प्यार करना तो नहीं छोड़ दिया है ना जनको, क्या तुम्हें यूनो पसंद तो नहीं आ गया ना? जनको ने कहा, तियांग मैं चाहता हूँ कि तुम पहले जैसे ही। तियांग ने कहा, मैं समझ गया, तुम्हें उसकी आदत हो गया है। उसके बाद तियांग जनको के साथ वैसे ही करना शुरू कर देता है। एक दिन बाद जनको, तियांग और आर्यमो जिन सब लोग बैठकर साथ में डिनर कर रहा था। डिनर खत्म होने के बाद जनको को तियांग गोद में उठा लेता है तो आर्यमो जिन ने कहा, क्या बात है तियांग, तुम बहुत ही समझदार हो गए हो। तियांग ने कहा, और नहीं तो क्या, क्योंकि जनको चल नहीं सकता है तो मुझे उसको गोद में लेकर रूम में जाना होगा। जनको बहुत ही शाय हो जाता है, वो अपने फेस को तियांग की बाहों में छुपा लेता है। तो गाइस यही पर ही दियन कहता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच बाबा, टेक केयर।